हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? तो आज के लिए जो हम आपका वीडियो लेकर आए हैं, इस प्रकार के प्रश्न कई बार आपके परीक्षा में आते हैं। और क्या होता है कि अगर हमारी कमांड पावर सब्जेक्ट उस आपके हिंदी के शब्दों पर व्याकरण पे स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हमसे गलत हो जाते हैं। तो वही आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम दो पार्ट में लेके आएंगे। आज का आपका पहला पार्ट है और नेक्स्ट पार्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रिलेटेड वीडियो के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या। देखिए एग्जाम में क्या होता है कि इस प्रकार का एक पैरा लिखा हुआ आता है। आपके पास ऐसा पैरा लिखा होगा, आपको पढ़ना होगा और समझना होगा और क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। जो यहाँ पे ये रिक्त स्थान दिए गए हैं इनको भरना होता है। कई बार बच्चे इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आपके जो क्वेश्चंस हैं वो छूट जाते हैं। तो यही हर प्रकार का कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हम आज आपके लिए इसी प्रकार के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए देखिए, पहले हम इसको पैरा को पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीयता की अभिवृद्धि के लिए अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को प्रतिष्ठित करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम बांग्ला विद्वानों ने रखा था। बांग्ला के अनुभवों का यह प्रस्ताव इसलिए नहीं था कि उस समय बांग्ला हिंदी उन्नति थी, उस समय भी बांग्ला साहित्य इतना यहाँ पे, यानी कि जो इतना आपने पढ़ लिया, आप इसके बाद जो खाली जगह ये आपको भरनी रहेगी। ऑप्शंस तो आपको नीचे दिए होंगे लेकिन अगर आप समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा भी दिमाग आपका चकराया तो क्वेश्चन आपका क्या होगा, ये गलत होने की संभावनाएं होती है। ये नहीं है कि भाई आपका 100% ही गलत जाएगा, नहीं, संभावनाएं हो जाती हैं आपकी गलत होने की। फिर आगे बढ़ते हैं। हो चुका था कि उस समय मंदिर का, फिर इतनी खाली जगह, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया होगा, नेक्स्ट में कि चार ऑप्शंस दिए होंगे, चार से पांच, और आपको सही जगह भरनी होगी। अन्य भाषाओं के मंदिरों के माध्यम से निजी, फिर यहाँ पे एक वर्ड आपको फिल करना रहेगा जो कि आपके प्रश्न पत्र में दिया होगा, लिए चमक रहा है। बंगीर ने हिंदी भाषा को इतना महत्व इसकी विशेषताओं के कारण नहीं दिया था। अपने, यहाँ पे फिल करना है, को दबाकर अपनी भाषिक साहित्य श्रेष्ठता को खाली जगह करके उन्हें दिल्ली का इसलिए खाली जगह किया था क्योंकि देश को इस भाषा की खाली जगह अधिक संख्या अधिक होने के कारण इसे, मतलब ये आपका लास्ट है और इसके बाद जो पूरा पैरा है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कितनी जगह भरनी है आपको, 10 जगह भरनी है। पढ़ते हैं। बनाने का कार्य उनकी दृष्टि में अपेक्षाकृत अल्प श्रम साध्य था। इतने महान थे वो लोग जिनके हृदय में राष्ट्रीयता के इतने श्रेष्ठ भाव थे और जो राष्ट्र पुरुषों के महाव्यक्तित्व की स्थापना करने के लिए अपने अहभाव को दबा लेते थे। हम सभी उनके ऋणी हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे तो आप कैसे फील करेंगे वो चलिए हम देखते हैं। फिर क्या, जैसे वहाँ पर तो पहला आपके पास प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चंस होंगे आप दिए होंगे, अब यहाँ से हम आपको कैसे समझाएं वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो उन फिल इन द ब्लैंक्स के हमने पूरे पूरे सेंटेंस उठा के इसके आगे रख लिए हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं बांग्ला साहित्य इतना हो चुका था, अब यहाँ पर लिखा है विपन्न, विशद, समृद्ध, समृत और इनमें से कोई नहीं। अब इन पाँचों में से आपको जो सही है, मतलब आपके हिसाब से नहीं, जो व्याकरण के हिसाब से भी सही है, भाषा के हिसाब से भी सही है और यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से भी सही हो, वो शब्द हमको यहाँ पे फिट करना रहता है, मतलब कि यहाँ पे वो शब्द हमको बैठाना। तो बंगाल साहित्य इतना समृद्ध हो चुका था, क्या हो चुका था, समृद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा। जो इस तरीके से तो हम आपको दे रखे हैं अलग अलग क्वेश्चंस, लेकिन जब आपका प्रश्न पत्र होगा तो ऐसे उसमें सारा पैरा लिखा होगा, नीचे क्वेश्चंस दिए गए होंगे, आपको वो क्वेश्चंस वहाँ पे पैरा पढ़ना है, क्वेश्चंस के आंसर पढ़ने हैं और जो सही है उस हिसाब से आपको वहाँ पे वो फिल कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उसके मंदिर का, आगे खाली जगह भरनी है, मतलब उसके मंदिर का
खाली जगह क्या? कंगूरा, कंचन, कुलिश, कलश या फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब कह रहे हैं कि उसके मंदिर का कलश क्या? मंदिर का क्या होता है भाई? कंगूरा तो नहीं होता है, कंचन भी नहीं होता है, कुलिश भी नहीं होता है, और इनमें से कोई नहीं होने की तो संभावना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कलश दे रखा है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा जो यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है, अन्य भाषाओं के मंदिरों के मध्य निजी। अब यहाँ पे डॉट 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 है, यहाँ पे आपको वो खाली जगह भरनी है। मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? वैशिष्ट, विविध, वैचित्र, विशेष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपनी भाषाओं मंदिरों के माध्यम से निजी, अब यहाँ पे आपको बताना है कि सही कौन सा। तो ये होगा वैशिष्ट, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मतलब वहाँ पे उसके के लिए चमक रहा था बंगीय। आगे हमको यहाँ पे फिल करना है कि आगे यहाँ पे क्या रहेगा। तो जो आगे यहाँ पे रहेगा वो उसके ऑप्शंस आप देख लेते हैं। मुनीश्वरों, महिषियों, मनीषियों, मनीषाओं या इनमें से कोई नहीं। तो होगा आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि इस प्रकार का पैरा आपके परीक्षा में ज़रूर आता है। क्वेश्चन नंबर 5। तो इन्होंने पहले यहाँ पे खाली जगह दे दी है, मतलब इस खाली जगह में आपको एक चीज़ भरनी रहेगी। तो जो भरनी रहेगी वो क्या है? ने हिंदी भाषा को इतना महत्व तो इसकी। अब चलिए हम क्या करते हैं कि एक एक हम इसका लगा के देख लेते हैं। देखिए, वैचारिक ने हिंदी भाषा को इतना महत्व तो नहीं, ये तो भाई नहीं हो रहा है। फिर साहित्य ने हिंदी भाषा को इतना महत्व, हाँ साहित्य ने दिया है। किसने दिया है? साहित्य ने, जो किसमें है आपका, जो आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। यही आज का ऑप्शन क्वेश्चंस का सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने, फिर डॉट डॉट डॉट, मतलब यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे अब आपको देखना है कि अपने व्यक्तित्व, अपने स्वामित्व, अपने स्वात्व, अपने चरित्र। अब आपको इसमें से देखना है कि करेक्ट कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा अपने चरित्र, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर, सॉरी यहाँ पे चरित्र नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वात्व। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे खाली जगह दे रखी है, अब इसको यहाँ पे बैठा के आपको सही से फिल करने हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हम देख लेते हैं। विज्ञापित को दबाकर अपनी भाषिक साहित्य श्रेष्ठता को, नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्रुत को दबाकर अपनी भाषिक साहित्य विशेषता को, इनमें से कौन सा सही होगा भाई, ये अब आपको देखना है। फिर है विस्मित को दबाकर अपनी साहित्य श्रेष्ठता को, यानी कि अभी ये एको सही नहीं बैठे हैं, यानी कि ये तीनों के तीनों गलत हो गए। अब हम चौथा देखते हैं, अगर ये नहीं है तो फिर आपका ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं जो होता है वो आपका करेक्ट हो। फिर देखते हैं विस्मृत को दबाकर अपनी भाषिक साहित्य श्रेष्ठता को, हाँ ये सही है। तो ये क्या होगा यहाँ पे, यही क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर करते हैं करके उन्होंने हिंदी को इसलिए, अब आगे आपको ये फिल करना है क्या, क्यों, किस लिए हिंदी को, क्योंकि इसी प्रकार से जो पैरा होगा आपको क्वेश्चंस ऐसे ही उसमें देखने को मिलेंगे। विवरण, वरण, वरुण या फिर वरण, तो इसीलिए वरण, क्या वरण, यानी कि जो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किया है कि देश में इसके इसके के आगे क्या होगा? शुभचिंतकों, प्रशंसकों, प्रयोक्ताओं, अध्येताओं या फिर इनमें से कोई नहीं। अब ये हमको देखना है। तो इसमें से क्या होगा, इसमें होगा प्रयोक्ताओं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है, यहाँ पे जो आपको सी में देखने को मिल रहा है वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
की संख्या अधिक होने के कारण इसे राजभाषा, राष्ट्रभाषा, उपभाषा, मानक भाषा या इनमें से कोई नहीं। ये चीज़ अब आपको देखनी है, तो इसीलिए इसे राष्ट्रभाषा, क्या इसको राष्ट्रभाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आगामी एग्जाम्स के लिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।